तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन अकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। और ये जो वीडियो है आप लोगों के 10th क्लास के नॉन हिंदी का आखिरी वीडियो है, यानी कि अंतिम वीडियो, ठीक, क्योंकि आज हो जाएगा आप लोगों के 10th क्लास के नॉन हिंदी का जो बुक है किसला हिंदी वो कंप्लीट। लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 23, चैप्टर का नाम है राह भटके हिरन के बच्चे को, जो कि एक कविता है। इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद से आप लोग का किसला हिंदी पूरी तरीके से कंप्लीट, ठीक। तो जो स्टूडेंट चैप्टर 1 से सीक्वेंस में पढ़ते चले आ रहे हैं, वीडियो को देखते चले आ रहे हैं, 1, 2, 3 करके पढ़ते चले आ रहे हैं और ये अंतिम वीडियो देख रहे हैं, आखिरी वीडियो, तो उनके लिए मतलब इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है कि उनका किसला हिंदी 10th क्लास का नॉन हिंदी कंप्लीट हो गया, ठीक। तो अब आप लोगों को मैं होमवर्क दूंगी, पता है क्या, जब आप इस चैप्टर को पढ़ लें, कंप्लीट कर लें, तो आप लोगों का तो पूरा किसला हिंदी कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर आप दोबारा से रिवाइज मारे चैप्टर 1 से दोबारा फिर देखिएगा, अब जो है ना पहले की तरह नहीं, अब थोड़ा फास्ट करके देखिए, वीडियो के ऊपर या जहाँ पर 3 डॉट होता है ना वहाँ पर क्लिक करेंगे तो वीडियो को फास्ट करने का ऑप्शन आता है, तो वीडियो को आप फास्ट कर देखिए, रिवाइज के तौर पर, रिवीजन के तौर पर आप, ठीक। तो चैप्टर 1 से दोबारा आप लोग देखने की कोशिश कीजिए, मतलब दोबारा पढ़िएगा, अब रिवीजन होगा आप लोगों का। अभी तक आप लोग जो पढ़े हैं वो पढ़ रहे थे, सीख रहे थे, समझ रहे थे चैप्टर में क्या बताया गया, अब जब दोबारा देखेंगे ना तो वो होगा आप लोगों का रिवीजन, और रिवीजन करने से आप लोग के मतलब जो कुछ भी मैं आप लोग को पढ़ाई हूँ वो दोबारा से आप लोग के माइंड में रिफ्रेश हो जाता है, हमेशा के लिए याद हो जाता है। देखिए मैं आप लोग को बार बार हूँ, किसी भी चीज़ को याद रखने का एक ही फंडा है, रिवाइज करते रहना, रिवीजन मारते रहना, एक हफ्ता पर हर संडे को आप लोग क्या करती है, क्या करते रहिए आप लोग, रिवाइज मारते रहिए, यानी कि याद करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, तो इस तरह जो है ना आप लोग परमानेंट हर चीज़ को याद कर सकते हैं, रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप चैप्टर 1 से दोबारा आप लोग पढ़िएगा, अब रिवीजन के तौर पर पढ़िएगा, और सारा चीज़ आप लोग के माइंड में रिफ्रेश हो जाना चाहिए, ताकि कहीं से भी अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे ना तो आप एक क्वेश्चन भी ना छोड़ें, ठीक। तो चलिए मैं आप लोगों को ये चैप्टर पढ़कर ये कविता है इसका अर्थ समझा देती हूँ। चैप्टर का लेखक का नाम याद रखिएगा, देखिए शॉर्ट कट में नाम दिया गया है डॉक्टर नी, डॉक्टर नी, ठीक, तो ये है इनका नाम और वियतनाम लगाया गया है, ठीक। तो ये है लेखक, तो लेखक जो है वो इस चैप्टर में राह भटके हिरन के, यानी कि एक हिरन के बच्चे के बारे में बताया है, जो कि हिरन का बच्चा राह भटक गया है, खेलते खेलते बच्चा जो होता है वो मतलब खेलने में इतना ज़्यादा मग्न हो जाता है ना कि खेलते खेलते वो कहाँ चला गया वो उसको मालूम ही नहीं होता और वो राह भटक जाता है, यानी कि रास्ता भूल जाता है। तो यहाँ पर हिरन के बच्चे के बारे में बताया कि हिरन का एक बच्चा है जो कि खेलते खेलते रास्ता भूल चुका है, अब उसके आगे की कहानी चलिए मैं आप लोगों को इस कविता में पढ़कर बता रही हूँ, ठीक है। तो देखिए लिखे हैं लेखक शुरुआत में कि जाड़े की रात पहाड़ पर रो रहा है एक हिरन, खेल में मदमस्त भटक गया है वह राह। बोल रहे हैं कि जाड़े की रात है और पहाड़ पर एक हिरन के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है, खेल में मदमस्त था, खेल में मग्न था और वो अपना राह भटक गया, रास्ता भूल गया, ठीक। वह नन्ना हिरन, उसके लिए बहुत दुखी हूँ मैं, उसकी दो खुली आँखों में वेदना है कितनी। यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो नन्ना सा हिरन है, हिरन का बच्चा, वो मतलब उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, लेखक बोल रहे हैं उस बच्चे के लिए मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, उसकी दो खुली आँखों में, दोनों खुली आँखों में कितनी वेदना है, कितना दुख है, ठीक। हिरण के छौने रे, हिरण के छौने, रो मत सो जा आराम से, ज़रूर मिलेगी तेरी माँ तुझे, सो जा सो जा। यहाँ पर बोल रहे हैं लेखक हिरण के छौने, आप लोग सुने होंगे मतलब गांव देहात में बोला जाता है छौड़ा छौड़ी, तो वही वाला यहाँ पर शब्द यूज़ किया गया है, हिरण के छौने यानी कि हिरण के बच्चे, हिरण के बच्चे रे, हिरण के बच्चे, रो मत सो जा आराम से, ज़रूर मिलेगी तेरी माँ, मतलब तेरी माँ को मैं ढूंढूंगा, तू सो जा आराम से, सो जा, रो मत, ठीक है। बांस के वन, पाइन आंक के वन, रात की हवा तुझे लोरी सुना रहे हैं, डर मत बेहिचक सो जा। यहाँ पर बोल रहे हैं बांस के वन और पाइन आंक के वन, रात की हवा, कभी कभी मतलब रात में ऐसा होता है ना कि जब आप अकेले होते हो और बांस की चटचट आवाज़ सुनाई देती है और हवा, रात की जो हवा होती है वो इंसान के अंदर डर पैदा कर देती है कि लग रहा है यहाँ पर कुछ है वगैरह वगैरह, तो यही बोल रहे हैं कि जो है ना ये चीज़ देख कर ना और ये चीज़ एहसास करके, हिरण का बच्चा पहाड़ पर अकेले है, उसके बाद से तेज़ हवाएं चल रही हैं और बांस की आवाज़ उसी तरह सुनाई दे रही है, तो उसे सुनकर जो है ना ये हिरण का बच्चा डर गया है। तो वो बोल रहे हैं लेखक कि रो मत, ये जो बांस की जो आवाज़ है और रात की हवा है वो तुम्हें लोरी सुना रही है, तुम रो मत, डर मत और उसके बाद से बेहिचक सो जा, ये बांस की आवाज़ जो है वो तुम्हें लोरी सुना रही है, आकाश में है तारे भरे, नीचे झरे ढेर के ढेर पत्ते, कितने नरम है हिरण के बच्चे, सो जा। यहाँ पर बोल रहे हैं आकाश में जो है ना तारे भरे हुए हैं, ठीक है, और नीचे झरे ढेर के ढेर पत्ते, नीचे जो है ना ढेर सारे पत्ते झर गए हैं और कितने नरम है ये, उस पर तुम आराम से सो जा, ठीक है, हिरण के छौने तुम आराम से सो जा, सो जा, सुबह तक सूरज उगेगा, उसकी सुनहरी किरणें छुएंगी जंगल के पत्तों को, मिल जाएगी तुझे तेरी माँ, रो मत,
मत रो नन्हे हिरण। यहाँ पर बोल रहे हैं लेखक कि सो जा, सुबह तक सूरज जरूर उगेगा, सूरज निकलेगा और सूरज की किरणें जो है वो जंगल के पत्तों को छुएंगी और जब सुबह हो जाएगा तो तुम्हारी माँ जो है तुम्हें ज़रूर मिलेगी। मैं तुम्हारी माँ को ढूंढूंगा, तुम्हारी माँ जो है तुम्हें ज़रूर मिलेंगी, अब तुम रो मत, मत रो नन्हे हिरण, तुम सो जा। तो ये था आप लोग का पूरा कविता, ठीक उतना इंपॉर्टेंट नहीं था और ये उतना कहाँ टफ था, ये आप लोग खुद से भी पढ़कर समझ सकते थे, बट कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर होता है आप लोग का चैप्टर नंबर 23 कंप्लीट और पूरा का पूरा आप लोग का किसला हिंदी कंप्लीट, ठीक। तो कोई भी कंफ्यूजन हो चैप्टर से रिलेटेड आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों को जो कुछ भी समझाई समझ में आया तो वीडियो को लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक कीजिए और चारों तरफ शेयर कीजिए अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब कर लेने के बाद बेल आइकन यानी कि घंटी को दबाकर ऑल का ऑप्शन क्लिक कर लेना है। उससे होगा ये कि मेरी रोज आने वाली ऑल वीडियो का ऑल नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा, ठीक। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।